अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा राज किचन एंड व्लॉग से। तो आज शबे रात का नियाज है और इसमें जो खाने बने हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बीफ का सालन है और ये हलवा है और ये मटर पुलाव है, रोटी है। इस तरह से दो खाने निकाले गए हैं नियाज के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर रात को शबकदर ज़रूर जाइएगा। मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी हम लोगों के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। और ये खाना मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी अप्पी की दोनों बहुओं ने खाना बनाया है, तो आपसे ये खाना हम शेयर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देंगे ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले कुकर को चढ़ाया गया और इसमें 150 ग्राम कड़वा तेल डाला गया है जो गरम हो रहा है। तो ये 250 ग्राम प्याज है, इसको फ्राई किया जा रहा है। तो इसमें गोश्त ऐड कर दिया गया है जो कि 1 kg है बीफ का मीट है, और ये अब इसमें फ्राई किया जाएगा। इसके अच्छे से, हाँ, इसको लाल किया जाएगा ताकि इसका सारा पानी जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। तो ये गोश्त ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट 4 चम्मच डाला जाएगा क्योंकि ये 1 किलो गोश्त है। इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जिसमें से 4 चम्मच ये धनिया है और 1.5 चम्मच लाल मिर्च है। इसे भी ये सूखा मसाला इसमें ऐड किया जाएगा। और इसी मसाले की कटोरी से 1 कटोरी पानी डाला जाएगा ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो सके, और ये दूसरी कटोरी डाला जाएगा। अब आपस में इसको मिक्स करेंगे। तो आप देखिए, नॉनवेज अलग बन रहा है, मतलब बीफ मटन बीफ अलग बन रहा है। अब ये मटर पुलाव की तैयारी हो रही है। तो कढ़ाई चढ़ गई है, तेल इसमें कितना डाला गया है? 100 ग्राम इसे 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल है और ये गर्म हो रहा है। तो इसमें 4 प्याज ऐड किए जा रहे हैं जो मीडियम साइज के हैं, स्लाइस में कट। इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। कई इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे। अब इसमें मटर शामिल की जाएगी, 1 किलो मटर है। खाना कुछ ज़्यादा बन रहा है क्योंकि आज शबे रात है और उसकी नियाज होनी है, तो ये सजेशन उसी नियाज की चल रही है। निकाल लिया गया, इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया गया है। मसाले ऐड कर किए जा रहे हैं जिसमें से लाल मिर्च डाली गई है जो कि 1 चम्मच है, और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और इसमें 6-7 हरी मिर्च है जो स्लाइसों में कटी हुई है। आज खाना हम नहीं बना रहे हैं बल्कि मेरी अप्पी है, उनकी बहुएं बना रही है। तो आज उन के हाथों का खाना आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सूजी 250 ग्राम होगी, इसको भून लिया गया है 1 चम्मच देसी घी में, इसको रोस्ट कर लिया गया है। और ये कढ़ाई है जिसमें शीरा तैयार हो रहा है, तो इसमें कम से कम 2 गिलास पानी पड़ा हुआ है और चीनी होगी 150 ग्राम चीनी ऐड की गई है, उसका ये शीरा बन रहा है। और 2 लौंग डाली गई है बघार में। हाँ, बघार में। इतनी देर से तैयार नहीं हो पाया। तो ये मटर पुलाव बन रहा है, इसका पानी बॉयल हो चुका है और इसमें चावल बिरयानी राइस ऐड किया जा रहा है। ये चावल 1 किलो चावल है और ये 2 किलो का भगोना है जिसमें 1 लीटर पानी बॉयल किया गया है। तो ये मटर पुलाव की प्रिपरेशन चल रही है।